वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एलसीआर सर्किट का डिटेल एनालिसिस लिया था। उसके बाद हमने फेजर डायग्राम देखा व्हेन इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन एसी सप्लाई और एसी सर्किट। तो इस तरह से हमने एलसीआर सर्किट का डिटेल एनालिसिस किया था लास्ट लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो में हम इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम एक पॉइंट कवर करेंगे एंड देन उसके बाद उस पे एलसीआर सर्किट पे हम प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिलेबस का मेन टॉपिक है इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है। वी हैव टू डेवलप अ फॉर्मूला फॉर टैन फाई, क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है फाइंड द एंगल, ठीक है, तो उसमें आपको ये काम में आएगा। सो विल टेक द डेरिवेशन ऑफ इट फ्रॉम द थ्री फेजर्स, ठीक है, जो हमने फेजर डायग्राम एलसीआर सर्किट का स्टडी किया लास्ट लेक्चर में, ठीक है, तो वहाँ से हमें रेफरेंस लेना है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम। सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर एलसीआर सर्किट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द वोल्टेज, रेजिस्टिव वोल्टेज, कैपेसिटिव वोल्टेज ई सी एंड द इंडक्टिव वोल्टेज ई एल, ई फॉर ई एम एफ, ओके। सो देर इज अ रिलेशन बिटवीन आई जीरो एंड वी वोल्टेज, ओके, वेदर करंट इज लीडिंग और वोल्टेज इज लैगिंग, ओके, बिकॉज इंडक्टिव एंड कैपेसिटर आर द रिएक्टिव कॉम्पोनेंट इन एल सी आर सर्किट। सो हम यहाँ से रेफरेंस लेंगे वहाँ पे कि ई आर का वैल्यू क्या होगा, ई सी का वैल्यू क्या रहेगा एंड ई एल का। तो हमें इम्पीडेंस ट्राइंगल फाइंड अप करना है, तो दैट्स वाई इट इज इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरो दिख रहे हैं आपको आई ज़ीरो एंड ई एम एफ ई, सो दिस एरो ड्यू टू द वेक्टर, बिकॉज वेक्टर नोटेशन है, ठीक है। तो हम थ्री फेजर्स के जो वैल्यूज़ है वो इस तरह से सिंपली ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, इंस्टेड ऑफ वी आर टेकिंग द ई एम एफ ई, ओके, एंड आई एज इट इज एंड द रजिस्टर आर, ठीक है। तो यही यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। सो इफेक्टिव वोल्टेज फॉर रेजिस्टेंस ई आर इज इक्वल टू आई जीरो इंटू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, ठीक है, फर्स्ट। देन फॉर इंडक्टिव ई एम एफ ई एल इज इक्वल टू आई जीरो इंटू एक्सएल, वेयर एक्सएल इज नथिंग बट द आर, तो आर की जगह हम लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज डिनोटेड बाय एक्सएल एंड इट्स यूनिट विल बी इन ओहम, इट इज मेजर्ड इन द ओहम, ओके। थर्ड वन, द ई एम एफ फॉर कैपासीटर इज इक्वल टू आई जीरो इंटू एक्स सी, ओके, सो इंस्टेड ऑफ आर वी आर यूजिंग एक्स सी विच इज नथिंग बट द कैपासीटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू पाई एफ सी, ओके, सो वी आर यूजिंग द एक्स सी एंड द यूनिट ऑफ दिस कैपासीटिव रिएक्टेंस इज नथिंग बट द सेम ओम, ओके। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग द थ्री फेजर बाई यूजिंग अ सिंपली ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, वी आर ओनली पुटिंग द वैल्यूज, देन वी ऑब्टेन द इम्पीडेंस ट्राइंगल एज शोन इन बिलो फिगर। सो दिस इज द इम्पीडेंस ट्राइंगल, ओके, वी आर टेकिंग ओ ए के सफिक्स फॉर दैट, यू कैन टेक द अनदर सफिक्स ऑल्सो, ठीक है, आप दूसरे सफिक्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, ओ ए बी, ओ बी सी, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। सो द डायगोनल ओके, दिस डायगोनल ओके रिप्रेजेंट्स द इम्पीडेंस जेड, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। व्हेन एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई देन दिस थ्री रिएक्टिव कॉम्पोनेंट इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर फॉर्म्स द अपोजिशन, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इम्पीडेंस जेड, ओके। तो यहाँ पे जो ये डायगोनल होगा ट्रायंगल का,
दैट इज ओके, ठीक है. सो दैट रिप्रेजेंट्स द इम्पिडेंस एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर इम्पिडेंस, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, दैट इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, मीन्स ओ ए, ये जो बॉटम में, ठीक है, ट्राइंगल के बॉटम में, दैट इज द रेजिस्टेंस, दैट रिप्रेजेंट्स द ओ ए रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस प्लस इन ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी, ओके, द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला हो गया आपका मीन्स इम्पिडेंस के लिए. सो द बेस ओ ए रिप्रेजेंट्स द ओमिक रेजिस्टेंस आर, तो ये ओ ए जो है, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस एंड द परपेंडिकुलर ए के, दिस ए के इज द परपेंडिकुलर, सो दैट रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंस मीन्स एक्स एल माइनस एक्स सी. सो ट्राइंगल ए ओ के इज फॉर्म, सो एंगल बिटवीन ए ओ के इज फाइव, इट इज डिनोटेड बाय फाइव. तो ये जो एंगल रहेगा बिटवीन ए ओ के इज नथिंग बट द दिस फाइव इज द फेज एंगल, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइव इज कॉल्ड एज अ फेज एंगल बाय विच द वोल्टेज लीड्स द करंट, मीन्स वोल्टेज आगे रहेगा करंट से इन द सर्किट, सो दैट एंगल इज फाइव. सो उसके लिए ये फॉर्मूला है, टैन फाइ इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अंडर सॉरी डिवाइडेड बाय आर. सो दैट इज आवर फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड द फेज बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट. ठीक है, सो टैन फाइ इज एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर. तो अभी जो प्रॉब्लम्स हमें देखने हैं, ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम में इंडक्टर दिया है देन टैन फाइ का फॉर्मूला जो रहेगा वो टैन फाइ इज इक्वल टू एक्स एल बाय आर. अगर प्रॉब्लम में कैपेसिटर का वैल्यू दिया है, ठीक है, देन वी यूज द टैन फाइ इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर एंड दिस एक्स एल इज नथिंग बट द, आपको पता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज नथिंग बट द टू पाई एफ एल जो हमने लास्ट के लेक्चर में कवर किया है, ठीक है, एंड दिस इज एक्स एल एंड एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एफ सी. सो इंस्टेड ऑफ एल इट इज ओनली अ सी बट इट हैज अ रेसिप्रोकल. ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे सिर्फ पुट किया करना है हमें, ठीक है. सो टेन फाइव में अगर आपको इंडक्टर दिया है एग्जाम्पल में, ठीक है, तो आप एक्सेल यूज़ करेंगे, एक्सेल का वैल्यू टू पाई एफ एल डिवाइडेड बाय आर. अगर आपको कैपेसिटर दिया है एग्जाम्पल में, सो टेन फाइव इज इक्वल टू एक्स सी का वैल्यू आपका टू पाई एफ सी है डिवाइडेड बाय आर. तो इस तरह से हम फेज एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस इम्पिडेंस ट्राइंगल वी डिराइव इट. तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको ये फॉर्मूला लगेगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर, इस आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा. ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल दिया है इसमें हमें इंडक्टर दिया है, ठीक है, अ 100 मिली हेनरी इंडक्टर, अ 25 माइक्रोफेरड कैपेसिटर एंड अ 15 ओम रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स. ठीक है, मीन्स इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, दिस इज द इंडक्टर फर्स्ट 100 मिली हेनरी, दिस इज द कैपेसिटर ऑफ 25 माइक्रोफेरड एंड 15 ओम रेजिस्टर, ऑल थ्री कॉम्पोनेंट, दिस इज एल, दिस इज सी एंड दिस इज आर, एल सी आर कंबाइंड सर्किट है जो अभी हमने स्टडी किया लास्ट लेक्चर में. ठीक है, बोथ थ्री कॉम्पोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, तो एल सी आर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस इज द ई एम एफ मीन्स वोल्टेज, ए सी वोल्टेज दैट विल बी गिवन 120 वोल्ट, ऑल दिस कॉम्पोनेंट एल सी आर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज ए सी सोर्स. देन दे आस्क कैलकुलेट द फर्स्ट इम्पिडेंस ऑफ सर्किट एट रेजोनेंस, तो इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है फर्स्ट मीन्स जेड, सेकेंड वन
करंट एट रेजोनेंस, करंट एट द रेजोनेंस मीन्स हमें कैलकुलेट करना है IRMS, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द IRMS, एंड लास्ट वन इज द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी विच इज नथिंग बट द F, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये तीनों जो कॉम्पोनेंट्स है वो हमें कैलकुलेट करने Z, IRMS एंड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फ्रॉम दिस गिवन डेटा, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में फर्स्ट आपको राइट अप करना है गिवन डेटा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है, सो यू हैव टू फर्स्ट राइट डाउन द गिवन विच इज़ गिवन इन द एग्जाम्पल और इन द प्रॉब्लम, ठीक है। तो उससे आपको एक क्लियर लाइन पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया करना है यहाँ पे, ठीक है, और क्या पूछा गया है और क्या दिया है, ठीक है। तो जब तक आप ये नहीं लिखोगे गिवन डेटा, सो इट मे बी अ कन्फ्यूजन, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। अगर आप ये ठीक से लिखोगे कि गिवन क्या दिया है एंड क्या पूछा है, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि क्या रिलेशन है, मीन्स हमें निकालना क्या है फर्स्ट, ठीक है, कौन सा क्वांटिटी फर्स्ट कैलकुलेट करना है। सो दैट विल बी इजी फॉर यू। सो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। फर्स्ट राइट डाउन द गिवन डेटा। फर्स्ट इंडक्टर वैल्यू विल बी द गिवन, सो एल इज इक्वल टू 100 मिली हेनरी, ओके। सेकंड वन, मिली मीन्स 10^-3, ओके, मिली मीन्स इट इज 10^-3। सेकंड वन, कैपेसिटर वैल्यू इज गिवन, सी इज इक्वल टू 25 माइक्रोफेरेड। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फैराड, सो माइक्रोफेरेड मीन्स 10^-6, ओके। सो इट विल बी अ 25 मल्टीप्लाई बाय 10^-6 फैराड। वी हैव टू कन्वर्ट इट द माइक्रोफेरेड इनटू द फैराड। एंड थर्ड वन इज द ERMS, मीन्स EMF इज गिवन, ठीक है, मीन्स सप्लाई वोल्टेज, AC सप्लाई वोल्टेज इज गिवन, दैट इज 120 वोल्ट। ऑल दिस फोर वैल्यूज आर गिवन, ठीक है। देन फ्रिक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन ऑफ सप्लाई वोल्टेज विच इज 50 हर्ट्स। देन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। सो एट रेजोनेंस Z इज इक्वल टू R, मीन्स जब रेजोनेंस ऑकर होगा एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच इज नथिंग बट द 15 ओहम, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन इन द सर्किट, ठीक है, विच इज नथिंग बट द 15 ओहम। सो दैट इज आवर फर्स्ट आंसर, क्योंकि ये जो रेजोनेंस पार्ट है, तो रेजोनेंस पार्ट आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इस साल। तो आपको सिर्फ यहाँ पे अगर इम्पिडेंस में इस तरह से पूछा जाता है कि इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट द रेजोनेंस, ठीक है, तो इसका सेम फॉर्मूला कि जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो प्रॉब्लम में दिया हुआ, सो दैट इज़ नथिंग बट योर रेजोनेंस, ठीक है, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट द रेजोनेंस। तो जब भी रेजोनेंस आएगा, सो इम्पिडेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रेजिस्टर का जो वैल्यू दिया रहेगा प्रॉब्लम में, ठीक है, सो दैट इज़ द आंसर। सेकंड पार्ट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है करंट एट रेजोनेंस। करंट का क्या वैल्यू रहेगा, एंड करंट इज नथिंग बट द RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, जैसे ERMS है आपका, तो सिंपली ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू वी बाय आर, एंड वी इज नथिंग बट द आवर ERMS, ओके, सो दैट इज ERMS डिवाइडेड बाय R एज इट इज, सो दैट इज सिंपली अ ओम्स लॉ, IRMS इज इक्वल टू ERMS डिवाइडेड बाय योर R, ठीक है, वी आर ओनली पुटिंग द वैल्यूज बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ ERMS. ERMS इज नथिंग बट द 120 वोल्ट एंड द वैल्यू ऑफ R इज नथिंग बट द दिस 15 ओहम, ओके, सो 120 डिवाइडेड बाय 15 इट इज 8, एंड फॉर करंट द यूनिट इज एम्पियर, ओके, सो यूनिट इज नेसेसरी, यूनिट देना है आपको एम्पियर, वोल्टेज, ओहम,
ठीक है, अगर यूनिट नहीं लोगे तो 1/2 मार्क्स आपका कट हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द IRMS, ठीक है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट एट रेजोनेंस। थर्ड वन इज द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी विच इज नथिंग बट द एफ, एंड द फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल टू 1/2 pi√LC, बिकॉज वी यू इन दिस सर्किट द इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज देयर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का। एफ इज इक्वल टू 1/2 pi√LC, वी आर ओनली पुटिंग द वैल्यूज 1/2, वैल्यू ऑफ पाई विल बी द 3.14√L, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है हेनरी में, मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय मिली है, मीन्स 10⁻³। सो वी एडजस्ट द डेसिमल पॉइंट, सो इट विल बी अ 10⁻²⁰ हेनरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10⁻²⁰ वैल्यू लिया इंडक्टर का, मल्टीप्लाई बाय 25 माइक्रो फेराड का हमने कन्वर्ट किया उसको फेराड में, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶। सो वी आर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यूज, सो विल गेट द फाइनल फ्रिक्वेंसी एज अ 100.65 हर्ट्स, सो दैट इज नथिंग बट द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एफ, ओके। तो इस तरह से आपको ये तीनों वैल्यूज मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में गिवन डेटा राइटअप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 1 by 1 फॉर्मूलाज में ओनली वैल्यू पुटअप करते जाना है, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। बट यूनिट देना ज़रूरी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्स, करंट का यूनिट जो है वो एम्पियर में होता है, रेजिस्टेंस इज मेजर इन ओम एंड वोल्टेज इज मेजर इन वोल्ट, ओके। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब पेपर में क्या होगा, ओनली द वैल्यू विल बी चेंज, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 100 इट विल बी अ 200, इंस्टेड ऑफ 25 इट विल बी अ 50 माइक्रोफेरेट, इंस्टेड ऑफ दिस रेजिस्टेंस वैल्यू 15 इट विल बी अ 100 or 30 ओम, ओके। एंड दिस वैल्यू ऑफ ERMS विल बी चेंज, इट विल बी अ 250, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम मीन्स फॉर्म हो सकते हैं, प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, फॉर्मूले ये रहेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको वैल्यू पुटअप करना है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ इंडक्टेंस, ओके, मीन्स यहाँ पे सिर्फ इंडक्टेंस कनेक्ट किया है विद द रेजिस्टेंस, ठीक है, मीन्स LR। सो फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम। अ कॉइल ऑफ 0.01 हेनरी इंडक्टेंस एंड 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ AC सप्लाई। तो यहाँ पे कॉइल दिया है, कॉइल इज नथिंग बट द इंडक्टेंस, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम देखा, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉइल एंड विच इज नथिंग बट द सिंबल फॉर द इंडक्टर, ठीक है। सो कॉइल इज नथिंग बट द इंडक्टेंस हुज वैल्यू इज गिवन इन हेनरी। तो यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है कि हेनरी में मेजर होता है आपका इंडक्टेंस, सो द वैल्यू ऑफ एल विल बी गिवन एंड इट इज कनेक्टेड विद द 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, मीन्स एल एंड दिस इज आर, ठीक है। तो यहाँ पे सी नहीं, कैपेसिटर इज अब्सेंट। सो इन दिस सर्किट ओनली 2 components आर यूज, फर्स्ट वन इज द इंडक्टर एंड सेकंड वन इज द रेजिस्टर एंड द वैल्यू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ AC सप्लाई, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ AC सप्लाई विल बी गिवन, सो दैट इज अ ERMS और E0, ठीक है। फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, मीन्स हमें कैलकुलेट करना है Z वी हैव टू फाइंड आउट एंड द टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, मीन्स द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ओके, बिटवीन V एंड I, ठीक है। तो इस तरह से हमें इम्पिडेंस एंड टाइम लैग निकालना है फाइव। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, राइट डाउन द गिवन डेटा। फर्स्ट इंडक्टेंस वैल्यू L इज इक्वल टू 0.01 हेनरी, ठीक है, ऑलरेडी हेनरी में दिया है तो कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं, अगर मिली हेनरी में होता सो वी हैव टू कन्वर्ट इट। उसके बाद वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम, E0 इज नथिंग बट द EMF और द वोल्टेज ऑफ AC सप्लाई विच इज 200 वोल्ट,
एंड अगेन फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इज गिवन. सो दिस इज द गिवन डेटा. देन वी हैव टू कैलकुलेट द इम्पिडेंस. सो आवर सिंपल फॉर्मूला फॉर द इम्पिडेंस इज जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, बिकॉज योर एक्सी कैपेसिटर इज नॉट देयर इन द सर्किट. सो दैट्स वाई दिस फॉर्मूला विल बी सिंपली मॉडिफाइड, और इन टर्म्स ऑफ वी आर कंसिडरिंग ओनली द इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर. क्योंकि जो इम्पिडेंस का फॉर्मूला है वो इस तरह से जनरल फार्मूला जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टर ही कनेक्ट किया है और कैपेसिटर यहाँ पे सर्किट में कनेक्ट किया ही नहीं. ठीक है, सो वी आर ओनली कंसिडरिंग द रेजिस्टर एंड इंडक्टर्स. सो इंडक्टर की वजह से क्या हमें मिलता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस. ओके, सो दैट इज द एक्स एल. तो हमने एक्सेल कंसिडर किया. ठीक है, हो सकता है पेपर में अभी एक दूसरा प्रॉब्लम भी फॉर्म हो सकता है कि एक्सेल की जगह आपको यहाँ पे कैपेसिटर का वैल्यू दिया है. सपोज 25 माइक्रोफेरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेल की जगह आएगा आपका एक्सी. ठीक है, मीन्स फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस आ सकते हैं. सो दैट्स वाई इट नीड्स द प्रैक्टिस. तो आपको प्रैक्टिस करना है, अलग अलग वैल्यूज़ पुट अप करके प्रॉब्लम में, और आपको सॉल्व करना है, तो ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उससे कोई अलग प्रॉब्लम पेपर में आ सकता है, ओनली वैल्यू चेंज होके. ठीक है, देन जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर. सो वी आर पुटिंग द वैल्यूज आर स्क्वायर एज इट इज, एंड वी नो द एक्सेल वैल्यू. एक्सेल इज इक्वल टू 2πfL, मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज नथिंग बट द 2πfL. मीन्स देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, सो वी आर पुटिंग ओनली द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 2πfL ब्रैकेट स्क्वायर. सो पुट द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टेंस. सो रेजिस्टेंस गिवन इज 1 ओम. सो 1 स्क्वायर प्लस 2, पुट द वैल्यू ऑफ पाई विच इज 3.14, पुट द वैल्यू ऑफ एफ विच इज 50 हर्ट्स. ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई विल बी गिवन, तो हमने वैल्यू पुटअप किया उसका 50. ठीक है, वैल्यू ऑफ एल विल बी गिवन विच इज 0.01 हेनरी ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. सो वील गेट द अंडर रूट ऑफ 10.872. एंड इसका अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो दैट फाइनल वैल्यू विल बी 3.297 ओहम. ठीक है, बिकॉज द यूनिट ऑफ इम्पिडेंस इज ओहम, जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया. ठीक है, विच इज द SI यूनिट. सो वी आर कैलकुलेटिंग द फर्स्ट पैरामीटर विच इज इम्पिडेंस जेड. सो जेड इज इक्वल टू 3.297. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर को स्क्वायर ब्रैकेट करना है, 297 ओहम. ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाएगा फिर. ठीक है, तो पेपर में इस तरह से आपको फाइनल आंसर को स्क्वायर ब्रैकेट करना है. सेकंड जो हमें कैलकुलेट करना है वो टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट. ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा हमें इम्पिडेंस ट्रायंगल का फॉर्मूला टैन फाई, जो अभी हमने डिराइव किया. टैन फाई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर. तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम में आपको कौन से कॉम्पोनेंट्स दिए, ठीक है, तो उस हिसाब से इस फॉर्मूला को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा. अभी हमें क्लियर कट पता है कि यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, ओनली इंडक्टर एंड द रेजिस्टर इज कनेक्टेड. दैट्स वाई वी मॉडिफाई दिस फॉर्मूला एज टैन फाई इज इक्वल टू एक्सेल अपॉन आर. ओके, तो यहाँ पे हमने इसीलिए टैन फाई इज इक्वल टू दिस एक्सेल डिवाइडेड बाय आर. सो टैन फाई इज इक्वल टू
XL बाय R। अगर यहाँ पे इंडक्टर की जगह कैपेसिटर अगर कनेक्ट होता, ठीक है, सो देन वी आर टेकिंग द XC अपॉन R। अगर तीनों भी कंपोनेंट कनेक्ट है, XL, XC एंड R, सो वी आर टेकिंग द डायरेक्ट फार्मूला एज इट इज़, टैन फाइव इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, ठीक है। बट यहाँ पे इंडक्टर दिया है, सो दैट्स वाई XL अपॉन R। सो XL इज नथिंग बट द, वी नो दैट इट इज़ अ 2πfL, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज नथिंग बट द 2πfL डिवाइडेड बाय R। सो वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस XL एज अ 2πfL डिवाइडेड बाय R। सो R इज एज इट इज, ठीक है। देन पुट द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द इंडक्टेंस। सो 2π विल बी अ 3.14, F, द वैल्यू ऑफ F इज 50 Hz, विच इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एंड लास्ट वन इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टर विच इज नथिंग बट द 0.01 हेनरी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच इज 1 ओम, ठीक है। तो अगर आप इसको टोटल सॉल्व करोगे, सो वील गेट द फाइनल आंसर 3.142, विच इज द एंगल फाइ। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ टेन फाइ, ओके, बट वी आर इंटरेस्टेड इन एंगल दैट इज फाइ, सो वी आर टेकिंग द टेन इनवर्स, पुट दिस इन टू द आर एच एस। सो फाइ विल बी अ टेन इनवर्स ऑफ दिस 3.142 विच इज इन डिग्रीज। तो अगर उसका हम टेन इनवर्स निकालेंगे 3.14 का, सो दैट विल बी अ 72.35 डिग्री, सो दैट विल बी द फाइ। सो फेज डिफरेंस हमें निकालना है, सो फाइ इज इक्वल टू 72.35 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 विच इज इन रेडियन, ठीक है। तो हम उसको रेडियन में भी निकाल सकते हैं। सो टाइम लैग बिटवीन द मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज डेल्टा टी, स्मॉल चेंज, ठीक है, इज डिनोटेड बाय द डेल्टा, सो फाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, सो दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, चेंज निकालना है, दैट्स व्हाई वी टेक द डेल्टा टी फाई जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ठीक है, विच इज इन रेडियन बाय ओमेगा, ओमेगा इज 2πf, ओमेगा का हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो 2πf है। तो अभी सिर्फ वैल्यू पुट अप करना है, सो फाइ इज नथिंग बट द 72.35 इंटू पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 2πf, टू वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 अगेन एंड द एफ इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रेडियन निकाल रहे हैं, सो इट विल बी अ, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज अ 0.004s, ठीक है। सो दिस इज अ फाइनल आंसर, दैट इज अ टाइम लैग बिटवीन द मैक्सिमम अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इसका प्रैक्टिस करो, मीन्स आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। आप यहाँ पे इंडक्टेंस की जगह कैपेसिटर भी ले सकते हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला चेंज होगा, मीन्स टेन फाइव के लिए एंड इम्पिडेंस के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरह से भी ले सकते हो, LCRR इज कनेक्टेड, ठीक है, मीन्स इंडक्टर भी होगा उसमें कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, तो आपको एज इट इज़ पूरा फॉर्मूला लेना पड़ेगा ये वाला, ठीक है, जेड का एंड टेन फाइव का, ये जो फार्मूला है XL माइनस XC डिवाइडेड बाय तीनों भी कंपोनेंट्स अगर है तो, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम्स का आप प्रैक्टिस करो यहाँ पर, ठीक है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर इन AC सर्किट का डिटेल स्टडी करेंगे, मीन्स व्हेन पावर, हाउ कैन बी पावर अफेक्ट द इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। जिस तरह से हमने AC सप्लाई कनेक्ट किया है तीनों पैसिव कंपोनेंट पे, रेजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर पे, तो वैसे ही पावर का क्या इफेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ LCR सर्किट।
तो वो हम डिटेल स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है? सो थैंक यू।